स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का थर्ड लेसन फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में अभी हम ये तीन टॉपिक पढ़ा पाएंगे, नेगोशिएशंस ऑफ लुई 16th, जैकोबिन क्लब्स एंड थर्ड पॉइंट नेशनल कन्वेंशन। इस पॉइंट को समझने से पहले आपने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े इस लेसन में, दो पीछे लेसन में। पहला लेसन क्या था, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, एंड दूसरा लेसन था आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। ये दो टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक पढ़े गए, जैसे टैक्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में, स्टेट जनरल के बारे में, कुछ फिलोसफर्स के बारे में, नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बहुत सारी चीज़ें थी। वो उसको आप रिवाइज करते रहे वीडियो देख करके। अभी ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये आपका अगला टॉपिक। इस टॉपिक में सबसे पहला नेगोशिएशंस ऑफ लुई 16th, इसे आप कैसे समझोगे? हमने पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज में क्या देखा कि लुई 16th जो था उसका पोजीशन था उस नए सिस्टम में, लेकिन लुई 16th के पास पावर नहीं था, वो इस चीज़ को झेल नहीं पाया और उसने क्या किया, अपने ही कंट्री के ऊपर हमला करवाने के लिए दो कंट्री के साथ समझौता किया। ये कंट्री थे रशिया एंड ऑस्ट्रिया। रशिया से समझौता किया, ऑस्ट्रिया ऑलरेडी इसका क्या कहते हैं उसको ससुराल था, यानी वाइफ जो थी यही की थी, तो इन दोनों कंट्री के साथ समझौता किया कि आप हमारे कंट्री के ऊपर वार करो, अगर हमला करो, अटैक करो, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। ये दोनों कंट्री हमला कर पाते उससे पहले ही नेशनल असेंबली को ये पता चल गया, तो नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में इन दोनों कंट्री के खिलाफ युद्ध घोषणा कर दी, यानी वार की अनाउंसमेंट कर दी। अब जब ये वार अनाउंसमेंट हुआ तो जितने भी यूथ थे नेशनल असेंबली के सपोर्टर थे, वो सब के सब आर्मी में ज्वाइन किए और इस कंट्री की ओर कूच कर दिए। तो ये जो आर्मी चल रही थी, इस आर्मी के बीच में एक बहुत ही फेमस सॉन्ग गाया जा रहा था जिसका नाम था मर्सिडीज। ये सॉन्ग कंपोज किया गया था रॉजर डी अलेजल के द्वारा, इस व्यक्ति ने इसको कंपोज किया और ये एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था, यानी देशभक्ति सॉन्ग था, और इस सॉन्ग को आज फ्रांस का नेशनल एंथम के रूप में गाया जाता है। तो ये छोटा सा एक इवेंट था लुई 16th का। जब ये लोग आगे बढ़े तो ये दोनों कंट्री सरेंडर कर दिया और युद्ध हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लुई 16th एक तरह से ट्रीजन के आरोप में पकड़ा गया, मान लो देशद्रोह के जुर्म में, ये देशद्रोह का जुर्म किया है। तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाने से पहले अगला पॉइंट देखो, जैकोबिन क्लब, ये क्या है, जैकोबिन क्लब क्या है। जब रिवॉल्यूशन हुई तो रिवॉल्यूशन में जितने भी पुरुष थे सब लोगों ने भाग लिया। पीछे देखा हमने, औरतें जो थी अपना दुकानों पे ब्रेड तक के लिए फाइट कर रही थी, यानी हर एक तबका जो था फ्रांस का वो उस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन जब रिवॉल्यूशन हुई तो रिवॉल्यूशन से फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को। कैसे फायदा हुआ, पीछे एक सोल्यूशन दिया हुआ था, क्या था सोल्यूशन, कि सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है जो 3 दिन का मजदूरी पेड करेंगे। अब इसके अनुसार थर्ड स्टेट वाले तो बहुत सारे कैटेगरी पैसिव सिटीजन में चले गए और उनको ये अधिकार मिला ही नहीं, उनको लगा इस रिवॉल्यूशन से हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने अपना पॉलिटिकल क्लब बनाना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बने और उन सब पॉलिटिकल क्लब में से ये जैकोबिन क्लब्स बहुत ही फेमस था। जैकोबिन क्लब एक कॉन्वेंट जिसका नाम था सेंट जैकब पेरिस में, बहुत ही पवित्र स्थान इसे माना जाता था, रिलीजियस बिल्डिंग माना जाता था, और इसी के नाम पे एक पॉलिटिकल क्लब बनी जिसका नाम पड़ा जैकोबिन क्लब्स। अब ये जो जैकोबिन क्लब्स होते थे इसके मेंबर होते थे ये लोग, तो जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे, स्मॉल शॉपकीपर्स, शूमेकर्स, प्रिंटर्स, पेस्ट्री कुकर्स या लेबर्स या पीजेंट्स, ये छोटे छोटे लोग ही इस जैकोबिन क्लब्स के मेंबर हुआ करते थे। और इसका बहुत ही एक फेमस लीडर था, नाम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। व्यक्ति का क्या नाम था, मैक्सिमिलियन रॉब्स पियर, और यही इस पॉलिटिकल क्लब को लीड कर रहा था। तो ये पॉलिटिकल क्लब के जितने मेंबर और लीडर थे उनको लगता था कि हमारे क्लब के मेंबर का अलग पहचान होना चाहिए। उस अलग पहचान के लिए इन लोगों ने अपना एक ड्रेस तैयार किया, और जब ड्रेस पहनते थे तो उन्हें सन्स क्लोट्स कहा जाता था। फिगर इस तरह का होगा सन्स क्लोट्स का, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं,
ये मेन है सन्स क्लोथ्स में, और ये वेमेन, इनका देख रहे हो पैजामा जो ट्राउजर फुल है यहाँ भी पांव तक, लेकिन फ्रांस में इस तरह की ड्रेस नहीं चलती। फ्रांस के अंदर वहाँ जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स थे वो घुटने तक ही पहनते थे कपड़ा, घुटना तक, और उससे उनका पहचान बनता था। तो जैकोबिन्स को लगा कि हमें अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र दिखाने के लिए उनसे अलग कपड़ा पहनना होगा, और इन्होंने क्या किया, सन्स क्लोथ्स अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मतलब वैसे व्यक्ति जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हो, नी ब्रीचेस मतलब घुटने तक का कपड़ा पहनते थे राजाशाही के लोग वहाँ नोबेल फैमिली के, इन लोगों ने पूरा पहनना शुरू कर दिया, इसी को कहा गया सन्स क्लोथ्स। तो ये हम देख रहे हैं जैकोबिन, अब यही ग्रुप जो है इन्हीं को लगता है कि हमें इस रिवॉल्यूशन से फायदा नहीं हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, हुआ कुछ नहीं, 1792 में क्या हुआ कि 1792 में फिर से सिचुएशंस वैसे ही आ गई, जो सप्लाई था फूड का वो कम पड़ गया, भोजन का दाम बढ़ गया, तो जितने भी जैकोबिन्स के मेंबर थे इन लोगों ने ग्रुप बना के ऑटोमेटिक उसी 14 जुलाई की तरह एक पैलेस था ट्यूलरीज उसकी ओर गए, और बिना किसी मतलब बाधा के इन्होंने 10 अगस्त 1792 को ट्यूलरीज का जो पैलेस था उसे स्टॉर्म कर लिया, यानी उड़ा दिया। वहाँ जो राजा था, राजा को अरेस्ट कर लिया गया, राजा के जितने भी गार्ड्स थे उन्हें मार दी गई, और जितने भी रॉयल फैमिलीज थे सबको जेल में डाल दी गई, एंड फिर से इलेक्शंस हुआ, यानी नेशनल असेंबली का जो इलेक्शंस था उसके बाद ये 1792 में फिर से इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन जब हुआ तो यहाँ पे जितने भी 21 साल से ऊपर के लोग थे उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, 21 वर्ष 25 साल से ऊपर होना चाहिए, 3 दिन की मजदूरी भी, लेकिन यहाँ उस सिस्टम को हटाई गई, सब लोगों को 21 साल से ऊपर का जो है उनको वोट देने का अधिकार है। एंड फ्रांस में 21 सितंबर 1792 को मोनार्कीज को पूरी तरह से खत्म कर दी गई, और इसी समय यानी मोनार्की जब खत्म हुई तो इसी दरमियान क्या हुआ कि नेशनल असेंबली खत्म हो गई, और नेशनल असेंबली की जगह पे आ गया नेशनल कॉन्वेंशन। अब जब नेशनल कॉन्वेंशन ने इसे अरेस्ट किया लुई 16 को, तो हमने पहले ही कहा कि लुई 16 ने देश के साथ द्रोह किया, ट्रीजन किया, इसी वजह से 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी पे चढ़ा दी गई, एक्सक्यूट कर दी गई। क्राइम क्या था, ट्रीजन यानी देशद्रोह। कुछ दिनों के बाद उसकी जो वाइफ थी उसे भी एक्सक्यूट कर दी गई, और फ्रांस में एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई। इस नए सिस्टम का नाम था नेशनल कॉन्वेंशन, और लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। अब ये रॉब्सपियर अपने तरीके से शासन करता है, उसके बाद भी रिवोल्यूशन होते हैं, आगे देखेंगे अगले क्लिप में क्या क्या होता है। अब इसकी इस पूरे बोर्ड का हमने एक इमेज क्लिक कर दिया है, आपका होमवर्क भी क्लिक करके इस वीडियो के साथ सेंड किया जाएगा, देखें समझे और उसे तैयार करें। धन्यवाद।